ओलाडॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर वकार हफीज़ है। मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। मेरी ट्रेनिंग वेन स्टेट यूनिवर्सिटी डिट्रॉइट मिशिगन से हुई है और मैं एक अमेरिकन बोर्ड सर्टिफाइड न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। आज हम लोअर बैक पेन की बात करेंगे। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओलाडॉक ऐप डाउनलोड करें। ओलाडॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। लोअर बैक पेन के बारे में डिस्कशन से पहले सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि बैक में जो टिश्यूज़ पाए जाते हैं उनमें पट्टे हैं जिनको मसल्स कहते हैं, नसें हैं जिनको नर्व्स कहते हैं और हड्डियाँ हैं जिनको वर्टिब्रे कहते हैं। इन तीनों चीज़ों की पैथोलॉजी या डिज़ीज़ की वजह से मेनली आमतौर पे लोगों को लोअर बैक पेन होती है। जो पट्ठों के मसले हैं वो एक लीडिंग कॉज लोअर बैक पेन है। पट्ठों के मसले नसों के मसले से मुख्तलिफ होते हैं और उनकी ट्रीटमेंट भी मुख्तलिफ होती है। पट्ठों के मसले अक्सर आम तौर पे किसी एक डायरेक्शन में ज़्यादा होते हैं और किसी काम करते हुए एकदम निकलते हैं। फ़र्ज़ करें अगर आप कोई भारी चीज़ उठा रहे हैं और एकदम आपको पेन हुई है लोअर बैक पेन में, तो उसकी वजह से जो आपको दर्द होगी वो लाइकली है कि वो पट्ठे की दर्द है और वो उसी डायरेक्शन में ज़्यादा होगी। इसके बरक्स अगर नस का मसला है तो वो आम तौर पे स्टार्ट कमर से होगा और वो टांग में यूजली जाता है। नसों के मसले अक्सर रेफर्ड पेन करते हैं। रेफर्ड पेन का मतलब ये है कि प्रॉब्लम नर्व का बैक में है लेकिन उसकी दर्द किसी और जगह पे हो रही है। मिसाल के तौर पे अगर आपकी गर्दन की नस दब रही है तो उसकी दर्द गर्दन में नहीं होगी बल्कि हाथ में या बाजू में होगी। इसी तरह अगर कमर के नस का मसला है तो उसकी दर्द कमर में नहीं बल्कि टांग में या पाँव में होगी। पट्ठों के मसले जहाँ पर शुरू होते हैं वहीं पर रहते हैं, इसलिए उन दोनों को आपस में डिफ्रेंशिएट करना आसान हो जाता है एक न्यूरोलॉजिस्ट के लिए। इस बात को समझना ज़रूरी है कि पट्ठों और नसों के मसलों के अलावा हड्डियों के मसले भी इसी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, मगर उसमें एक हिस्ट्री डॉक्टर के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है इस बीमारी को तशख़ीस करने के लिए। जब भी आपको कमर का मसला हो, कमर की दर्द हो, तो आपको एक न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि न्यूरोलॉजिस्ट ना सिर्फ पट्ठों और नसों के मसलों को महारत के साथ डायग्नोज कर सकता है बल्कि उसकी एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट भी आपको बता सकता है। ये याद रहे कि पट्ठों की ट्रीटमेंट मेडिसिन से होती है और नसों की ट्रीटमेंट आम तौर पे या फिज़िकल थेरेपी से या सर्जरी से होती है और मेडिसिन सिर्फ एक वक्ती इलाज होता है। बोन्स की ट्रीटमेंट ऑन दी अदर हैंड डिपेंड करता है कि किस तरह का बोन का प्रॉब्लम है। तो याद रहे कि अगर लोअर बैक पेन हो तो आपको सबसे पहले एक न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना है और वो एप्रोप्रिएटली आपको किसी न्यूरोसर्जन, फिजियोथेरेपिस्ट या ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास रेफ़र कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर वकार हफीज़ है और मेरा क्लिनिक मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल में है। मैं ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स भी लेता हूँ थ्रू मारूफ एज़ वेल एज़ ओलाडॉक। थैंक यू वेरी मच।